नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कलर्स ऑफ लाइट। सो टुडेज वीडियो इज मीशो ज्वेलरी हॉल। सो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है और वहाँ से आप रीसेलिंग भी कर सकते हो एंड अपने लिए भी परचेज कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बिकॉज मीशो के बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियोज आते हैं यूट्यूब पे। सो मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद के पैसों से खरीदे हैं एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम मीशो। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, मतलब ट्रायल ऑर्डर था, तो मैंने बहुत कम चीज़ें मंगवाई है। सो इस ऑर्डर में मैंने सिर्फ ज्वेलरी ही मंगाई है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे अच्छे ज्वेलरीज मिल रहे थे वहाँ पे, बट सिंस दिस इज़ माय फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने कम चीज़ें मंगाई है ट्राई करने के लिए। सो आप लोगों को मैं वन बाय वन दिखाती हूँ एंड प्राइसेस भी बताऊँगी। सो मीशो की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, डिलीवरी के बारे में बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है। पहले अच्छी चीज़ें जान लेते हैं फिर उसके बाद में बताऊंगी। सो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। सो मैंने ये एक ज्वेलरी सेट मंगाई है, इसके बाहर से भी बबल रैपिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होके आई थी। सो पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो इसमें आई है ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ एंड पीछे की नॉइज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर देना फ्रेंड्स, बिकॉज ऐसा ही होता रहता है यहाँ पे एंड प्रॉपर स्टूडियो नहीं है। सो इसमें आता है इयररिंग, आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा इयररिंग है ये, इसमें गोल्डन टच है एंड पर्ल्स जैसे लगे हुए हैं और इसमें गोल्डन और सिल्वर का ऑप्शन था तो मैंने गोल्डन चूज किया। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे भी नहीं है, ये बहुत ही मीडियम साइज का है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। एंड मैंने जैसे ऑर्डर किया था वैसा ही ये रिसीव हुआ, इसमें कोई भी डैमेज या फिर कुछ भी नहीं है, बहुत क्लीन वर्क है आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज़ इयर रिंग्स एंड इसके साथ में एक मांग टीका भी है जो बहुत ही प्यारा है, छोटू सा मांग टीका है ये, तो आप लोग देख सकते हो इसका भी वर्क बहुत अच्छा है, आगे से पीछे से बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी। सो ये होगी मांग टीका इयररिंग्स एंड इयररिंग्स के पीछे भी ये आया है और उसके साथ में है ये नेकलेस। दिस इज सो ब्यूटीफुल, आप लोग देख सकते हो बहुत ही मिनिमल क्लासी नेक पीस है ये। सो ये चोकर है, मुझे बड़े बड़े नेक पीस पसंद नहीं है, सो दिस इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा है, मतलब मैंने चूज ही इसीलिए किया क्योंकि मुझे वहाँ पे पिक्चर में ही काफ़ी पसंद आया था एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आई होप कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा। सो यहाँ पे गोल्डन टच का ये सेम वर्क हो रखा है, आई डोंट नो इसको क्या वर्क कहते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना। देन यहाँ पे नीचे ये पर्ल्स लगे हुए हैं, ऊपर छोटे छोटे पर्ल्स हैं, नीचे थोड़े बड़े वाले हैं एंड ये है चेन नहीं है इसमें, ये इस तरह का है, बट ये भी बहुत कंफर्टेबल है, कहीं से चुभता नहीं है एंड यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसको फटाक से पहन के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह का ये लुक आता है। सो फ्रेंड्स मैंने इसको पहन ली है एंड आप लोग देख सकते हो ये चोकर बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड मैंने मांग टीका भी पहन लिया है, इयररिंग्स भी पहन लिए हैं और मैं कुछ पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूंगी तो आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया एंड मुझे ऐसे ही छोटे छोटे पसंद है तो मुझे बहुत पसंद आया एंड ये मेरे ड्रेस के जो ये वर्क है इसके साथ भी परफेक्टली मैच कर रही है। सो आई कैन पेयर दिस इयर रिंग विद दिस कुर्ती और इसको भी पेयर कर सकती हूँ, मांग टीका थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। सो
मुझे ये बहुत पसंद आया एंड इसकी प्राइस थी अराउंड 179 इसकी प्राइस थी। जब मैंने इसको ली थी तब इसकी प्राइस थी 179, बट इसकी प्राइस ना मतलब फ्लक्चुएट होती रहती है, एक ही प्राइस नहीं रहती है, क्योंकि जब मैंने बाद में चेक किया तो इसका प्राइस 10-20 रुपीज़ ऐसे ऊपर हो गया था। तो प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। जब मैंने ली थी इसकी प्राइस थी 179 एंड 179 रुपीज़ में आपको सेट ऑफ थ्री मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है, क्लासी है और बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। आप इसको फेस्टिवल्स में भी पहन सकते हो। मैंने स्पेशली इसको दिवाली में पहनने के लिए लिया है, सो आप दिवाली में या फिर किसी भी और फेस्टिवल में पहन सकते हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड पैकेजिंग भी अच्छी थी, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है। सो इस प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है मेरे साइड से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड आप लोग इसको लेना चाहे तो डेफिनेटली इसको ले सकते हो। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ और मैं अपना नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो मैंने सेट ऑफ थ्री का इयररिंग लिया है, तो इस तरह से इस बॉक्स में आया है, क्यूट सा बॉक्स है। इसके बाहर भी एक पैकेजिंग जो मीशो का मतलब जो पैकेजिंग आती है वो थी, बट इसमें बबल रैपिंग नहीं थी, ऐसे ही था। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सेट ऑफ थ्री आया था। सो फर्स्ट इज दिस वन, सो ये पहला है। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। सिल्वर ऑक्सीडाइज ईयररिंग्स है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत 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 पसंद आया। एंड नॉर्मली मैं ऐसे ईयररिंग्स पहनती नहीं हूँ एंड मेरे पास इतने बड़े ईयररिंग तो है भी नहीं। अगर आप लोगों ने मेरा ईयररिंग कलेक्शन देखा होगा तो छोटे छोटे ही है, क्योंकि मैंने इतने बड़े पहने नहीं हैं अभी तक। बट बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, थोड़ा सा भी हैवी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ पहना हो, बट ये थोड़ा सा हैवी है, ये थोड़ा सा हैवी है और ये भी थोड़ा सा हैवी लगता है, बट चुभता नहीं है। यहाँ पे ये चोकर है पर चुभता नहीं है, कहीं से भी कोई चुभा हुआ सा या फिर यू नो खिंचा खिंचा सा, मतलब क्या कहते हैं उसको, टाइट होता है ना, सो ऐसा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये भी। तो ये वाली झुमकी है, आप लोग देख सकते हो, इसका डिज़ाइन पास से दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है। और इसमें भी ना गोल्डन एंड सिल्वर था, तो मैंने सिल्वर वाली ले ली क्योंकि मुझे सिल्वर ही पसंद आई, क्योंकि गोल्ड का गोल्डन वाला लेती तो शायद उसका कलर चला जाता, फिर कुछ काम का नहीं रहता। तो मुझे सिल्वर वाली ही पसंद आई, तो मैंने सिल्वर वाली ही ली है, बहुत प्यारी लग रही है। तो पास से दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो मैं इसका प्राइस था, मतलब इसका जितने भी यहाँ पे मैंने सेट ऑफ थ्री लिया है, सो सेट ऑफ थ्री का प्राइस था 205 रुपीज़, विच इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल। और वो मैंने नहीं दिखाए हैं, तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ और बाद में फिर इन दोनों को भी ऐसे ऐसे वन बाय वन दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को ट्राई ऑन भी दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इसको पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप लोगों को थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा क्योंकि मेरा ये ईयर पियर्सिंग थोड़ा ऊपर हुआ है एंड ये नीचे हुआ है, बचपन में हुआ था तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बट आप लोग देख सकते हो पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा एंड आप लोग देख सकते हो कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है, कोई भी ऐसी झुमकी नहीं निकली है, बहुत ही क्लीन वर्क है, क्लीन फिनिशिंग है, नीट एंड क्लीन फिनिशिंग है, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। सो अब दूसरी इयररिंग दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, दूसरी नहीं, दिस इज माय सेकंड परचेज एंड ये थर्ड है। सो ये है थर्ड इयररिंग, आप लोग देख सकते हो ये झुमकी बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब मेरे हाथों जैसी है, इतनी लंबी है, आप लोग देख सकते हो। एंड बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसका, आप लोग देख सकते हो। एंड इसमें भी गोल्डन कलर में भी था, सिल्वर कलर में भी था, तो मैंने सिल्वर लिया है।
और ये बहुत अच्छी साउंड भी करती है, तो आप लोग देख सकते हो ये लिया है मैंने। सो ये भी इसी के साथ कॉम्बो में था, मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन से कॉम्बो की मैं बात कर रही हूँ। सेट ऑफ थ्री था ये, एंड आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन है, एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कहीं से भी कुछ भी निकला हुआ नहीं है। अगेन बहुत क्लीन वर्क है इसका, बहुत प्यारा वर्क है, और इसको भी आप कहीं पे भी पहन सकते हो, कुर्तीज़ के साथ पेयर कर सकते हो, अनारकलीस के साथ, इवन साड़ीज़ के साथ भी पेयर कर सकते हो, और इंडो वेस्टर्न जो क्लोथ्स होते हैं उसके साथ भी आप लोग इसको आराम से पेयर कर सकते हो। एंड अगेन ये भी सेम है, इसको भी किसी भी इंडियन वेयर के साथ पेयर कर सकते हो, कुर्ती जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, तो ये भी बहुत पसंद आया मुझे। अब मैं ये आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको पहन लिया है एंड ये कुछ इस तरह का लग रहा है, बहुत लंबा है, मतलब इतना लंबा है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं इतना लंबा लंबा ईयर रिंग्स वेयर कर रही हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इसका जो वर्क है वो बहुत ही क्लीन है, कहीं से कुछ भी निकला हुआ डैमेज कुछ भी नहीं है, एंड बहुत ही क्लीन वर्क है, तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड सेट ऑफ थ्री का मैंने लिया था 205 रुपीज़ में, सो 205 डिवाइडेड बाई थ्री आप करोगे तो उतना एक का पड़ेगा आपको, सो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर हम इस तरह की झुमकीज अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो एक का ही 150 से ऊपर ही होता है, आई डोंट नो 150 से नीचे तो मिलेगा या नहीं, एक का ही होता है। एंड अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ये झुमकीज है, सेट इसका सेट है, बट वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ कॉम्बो में इयर रिंग्स लेने की तो आप लोग इसको ना डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसको अब मैं निकाल रही हूँ। ओके, सो ये है मेरा थर्ड इयर रिंग जो मैंने मीशो से मंगाया है, और अच्छी तरीके से पैक होके आया है सब कुछ। सो दिस इज़ द थर्ड इयर रिंग, आप लोग देख सकते हो। बहुत 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 प्यारा डिज़ाइन है इसका, बट इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो बाद में बताती हूँ, पहले आप लोग डिज़ाइन देख लेना। बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका, और उसका ना सिमिलर डिज़ाइन है, थोड़ा सा सिमिलर है, ऊपर का थोड़ा सा सिमिलर है, बट नीचे इसमें झुमकी लगी हुई है, आप लोग देख लो इस तरह के डिज़ाइन है एंड झुमकी लग रही है नीचे। बट मेरे साथ इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो झुमकी है इस वाली झुमकी में तो पूरे नीचे लगे हुए हैं, जो इस तरह का लगा हुआ होता है, सो ये नीचे लगे हुए हैं तो ये अच्छा है, बट इसमें क्या हुआ है कि हाफ 3/4 में यहाँ पे आगे है ही नहीं, मतलब आप लोग देख सकते हो ये मिसिंग है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ना पहनने में थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, क्योंकि एक में तो बहुत ज़्यादा है, एक में मिसिंग है, सो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा या फिर क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जिस पैक ये पैकेट के अंदर ये आया था, अगर ट्रांसफ़र में या फिर ट्रैवलिंग में गिरा होगा तो यहाँ पे होना चाहिए, बट मुझे कहीं पर भी ऐसे गिरी हुई कुछ भी नहीं मिली, सो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगी जो मुझे ऑफकोर्स अच्छी नहीं लगती है। आप पैसे पे करके कुछ खरीदते हो और ऐसा आए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ये थोड़ा सा ये भी हो गया है, सो या तो मैं इसको रिटर्न करूँगी, बट मैं इसको रिटर्न अगर मैं इसको रिटर्न करूँगी तो मुझे ना सारे कॉम्बो ऑफ थ्री को ही रिटर्न करना होगा, तो इसको रिटर्न करने की बजाय मैं कुछ इसका करूँगी, जैसे भी मैं यूज़ कर दूंगी, बट आप लोगों को दिखाना तो ज़रूरी है कि किस तरह का प्रोडक्ट आया है। बाकी के प्रोडक्ट से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ये वाली जो नेकलेस इसकी थी इससे भी सेटिस्फाइड हूँ, दो इयर रिंग्स से भी सेटिस्फाइड हूँ, बट इससे मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ, तो आई थिंक मीशो को अपना जो भी है पैकेजिंग करते टाइम डैमेजेस का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे तो बेसिकली ये रीसेलिंग ऐप है, रीसेलिंग ज़्यादा करते हैं लोग, तो अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स हम रीसेलिंग करेंगे तो कस्टमर हमारा नहीं रहेगा ना अगर डैमेज प्रोडक्ट देंगे तो ये उनको थोड़ी सी ख्याल रखनी चाहिए मीशो को। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मीशो की ज्वेलरी हॉल जिसमें मैंने 4-5 ज्वेलरीज खरीदे थे एंड आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम शॉपिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम मीशो। मीशो के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत ही ज़्यादा सुना था एंड बहुत अफोर्डेबल चीज़ें मिलती है ये सुना था, तो मैंने भी सोचा कि लेट्स ट्राई, बट मैंने थोड़ी सी कम चीज़ें मंगाई क्योंकि जब मैं नया साइट से मंगाती हूँ तो एक बार देखना था कि कैसा आता है और क्या होता है। सो मैं सैटिस्फाइड हूँ सभी प्रोडक्ट से एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि अब ये तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं रिटर्न भी कर सकती हूँ इसको और रिटर्न एक्सचेंज कर सकती हूँ, और अगर एक्सचेंज नहीं करूँगी तो मुझे इसके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऑल एंड डिलीवरी के टाइम मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जब मेरा ऑर्डर डिलीवर होना था तब डिलीवर नहीं हुआ, और डेली डेली यही मैसेज आ रहा था कि आज डिलीवर होगा, कल डिलीवर होगा, बट हुआ नहीं। और जब मैंने कस्टमर केयर से रीच करने की कोशिश की तो बहुत टाइम बाद मैं रीच कर पाई और मैंने उनसे बात की, तब जाके मेरा ये ऑर्डर डिलीवर हुआ। सो डिलीवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि कुछ लोग स्पेशली किसी ओकेजन के लिए मंगाते हैं तो आप जो डेट देते हो उसमें ही डिलीवर करना चाहिए। सो डिलीवरी थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करना चाहिए, बाकी सभी अच्छा था, मुझे पसंद आया एंड आई वुड लव टू शॉप फ्रॉम मीशो अगेन। अगर आप लोगों को मेरा ये शॉपिंग हॉल वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर करना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।